अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से जो न्यू साइनअप्स होते हैं, न्यू कस्टमर्स होते हैं, उनके अकाउंट में आप किस तरीके से फ्री DIDs डाल सकते हैं। दो तरीके होते हैं, दो DIDs सॉरी डाली जाती हैं कस्टमर के अकाउंट में, एक UK की और एक USA की। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको जो है साइन अप करना पड़ेगा अपने एडमिन साइट पे। जब आप DIDX के होम पेज पे आ जाते हैं तो आप नीचे जाएंगे और उस पर क्लिक करेंगे, क्लिक हियर टू गेट ए लिस्ट ऑफ अनकन्फर्म्ड ऑर्डर्स। यूजली फ्री DIDs उनको दी जाती हैं जो कि न्यू कस्टमर्स होते हैं, मगर अगर पुराने कस्टमर्स के पास DIDs नहीं है और वो दोबारा टेस्ट करना चाहते हैं तो भी हम उनको वो DIDs दे सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो आपको उस कस्टमर की ऑर्डर ID लेनी होगी जो कि 7 6 डिजिट नंबर होता है और जो स्टार्ट होता है 7 से। फिर आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा उसका ऑर्डर ID नंबर। लेट्स से फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ऑर्डर ID नंबर लिखते हैं और सर्च करते हैं। अब इस कस्टमर ने को एक दो DIDs चाहिए अपने अकाउंट में, तो हम उसके अकाउंट में दो DIDs डाल देंगे। अब हम कस्टमर के एडमिन साइट पे आ चुके हैं और कस्टमर का हमने ऑर्डर ID डाली थी तो उसका अकाउंट खुल गया एडमिन साइट पे। अब हमें इस कस्टमर के अकाउंट में दो DIDs चाहिए, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप टैब देख रहे हैं कस्टमर इन्फो, उसके बिल्कुल नीचे है एलोकेट फ्री DID, उस पर आप क्लिक करेंगे। अब आप किस तरह से चेक करेंगे कि उस कस्टमर के अकाउंट में दो DIDs आ गई, उसके लिए आपको ऑल द वे बिल्कुल नीचे जाना पड़ेगा और अब आप यहाँ देखेंगे परचेज DID नंबर, उस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे दो DIDs मिल जाएंगी। ये दो DIDs हैं उसके अकाउंट में ऑलरेडी आ चुकी है। इसके अलावा जो है हम DIDs जो है न्यू साइनअप्स के अकाउंट में भी डालते हैं। उसका प्रोसीजर ये होता है कि आप पहले DIDX के एडमिन पेज पे लॉग इन होके आप बिल्कुल नीचे आएंगे और यहाँ पर लिखा हुआ होगा अकाउंट स्टेटस के नीचे, क्लिक हियर टू गेट अ लिस्ट ऑफ अनकन्फर्म्ड ऑर्डर्स। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो जो आज के दिन के या अब तक जितने भी न्यू साइनअप्स हुए हैं जिन्होंने भी साइनअप किया है DIDs परचेज करने के लिए, उनका नाम यहाँ पर आ जाएगा। लेट्स से हमने एक कस्टमर को जो है अप्रूव किया, अब हम उसके अकाउंट में दो DIDs डालेंगे। उसका भी प्रोसीजर वही होगा, वो आप जाएंगे उसके अकाउंट में। अब ये जो पेज खुलेगा ये उसके अकाउंट DIDX का जो एडमिन पेज है उसके अकाउंट का, उस वहाँ खुल जाएगा। अब फिर आप जाके एलोकेट DIDs कर देंगे, तो ये तरीका होता है DIDs जो है फ्री DIDs एलोकेट करने का।